सब्सक्राइब कीजिए सनसेक एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिछले लेक्चर में बच्चों में हमने चेंज करना सीखा था ऑर्डर किसी भी इंटीग्रेशन का, डबल इंटीग्रेशन का। इसमें हम करेंगे डबल इंटीग्रेशन ओवर ए रीजन डी, ठीक है। इसमें एक रीजन दिया होगा, उसमें एफ था, लेकिन इधर एफ की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। डबल इंटीग्रल उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके पास कुछ मटेरियल है नहीं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए बच्चों, वहाँ पर आपको इसके ऊपर मटेरियल भी दे दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो डायरेक्टली चैट कर सकते हो मेरे साथ या फिर कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, ठीक है। उनके ऊपर प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। 1600 क्वेश्चन है मेरे पास, अगर आप चाहो तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, रीजन है डी, डी इज बाउंड bounded by over the region B bounded by x, y is equal to 1, y is equal to 0, x is equal to 2, y is equal to x। ये देखो ये क्वेश्चन की खासियत है, इधर मैं x की जगह 2 कर दूं क्वेश्चन चेंज, x y की इज इक्वल टू 4 कर दूं क्वेश्चन चेंज, समझ रहे हो ना। तो मतलब इसमें क्वेश्चन इतने ज्यादा बन सकते हैं पूछो मत, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ कुछ टॉपिक ही ले रहा हूँ, मतलब जो बेसिक है उसके ऊपर दो एग्जांपल करा रहा हूँ। इसी तरह से इसी में कराऊंगा, दो एग्जांपल इसके करा लूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन वास्ट इसी इतना वो बता सकता हूँ, इतना बड़ा है कि पूछो मत, लेकिन प्रैक्टिस करोगे छोटा लगने लगेगा, ठीक है। ये आ गया अपना फॉर्मूला, ये अपने रीजन दे दिया। अब क्या करना होता है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है, फिर देखना होता है ये टाइप 1 से हो रहा है टाइप 2 से, ठीक है। जिससे ईजी लगे उससे कर दो। तो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं हम, एक्स वाई इक्वल टू 1 है, इसका डायग्राम कैसा होता है इस टाइप का। वाई इक्वल टू एक्स है, इसका डायग्राम किस टाइप का होता है इस टाइप का। अब इसने दे रखा है वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 दे दिया, चलो ये पॉइंट ले लिया हमने। वो एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पर होगा मान लीजिए, ये एक्स इक्वल टू 2 हो गया, वाई इक्वल टू 0 पे एक्स 0 होता है, तो ये भी आ गया अपना पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आएगा अपना, वैल्यू पुट करके निकालिए। y is equal to x है, इधर y is equal to x रखा, x square is equal to 1, ठीक है, और x square is equal to 1 आ गया तो प्लस 1 हो गया, माइनस 1 तो नीचे हो गया, तो ये 1 1 हो गया अपना पॉइंट, ठीक है। ये अब क्या बन गया अपना जो ग्राफ बन रहा है, इससे हमें क्या निकल के आ रहा है, क्वेश्चन जो हमें डायग्राम देना चाह रहा है वो कौन सा डायग्राम है इसमें अपना, ये तो ये कौन सा है, y is equal to x है, ठीक है। ये अपना y is equal to x का डायग्राम है, ये अपना किसका है, y is equal to x, y is equal to 1 का, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जो बन रहा है डायग्राम वो अपना क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा बन रहा है, ये डायग्राम बन रहा है, ठीक है। अब इसमें दिए आपको अपनी सोचिए से देखना कौन से टाइप से करोगे तो ये क्वेश्चन इजी रहेगा आपको, ठीक है। ये ऐसे मैं भी नहीं बता सकता, ये पता कैसे चलेगा आप लोगों को, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको इसका पता चलेगा, ठीक है। आगे समझ में, तो इसको मैं करना चाहूंगा टाइप 2 से, अगर आप कोशिश करना ये टाइप 1 से हो जाता है या नहीं होता, ठीक है। ये मैंने इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ये यहाँ से, ठीक है, ये जा रहा है फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दो टाइप बना लिए मैंने। और ये अगर 2 है तो फिर पैराबोला में 2 की वैल्यू रखी तो क्या बना, 2 1 बाई 2, जो इंटरसेक्शन पॉइंट जितने भी है वो निकाल लिए मैंने, ये 0 0 है, ये अपना क्या है 2 कोमा 0 है, पता चल गया हमें। तो अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये टाइप मैंने 2 कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, ये किसके इक्वल रहेगा अपना, दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 से 1, पहला एक्स इज इक्वल टू 0 से 1 तक का, वाई कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वाई इज इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स तक, ठीक है। ये अपना क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस डायग्राम में दिक्कत है, डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाओगे तो फायदे में रहोगे, वरना गलती जरूर करोगे इसमें। एक्स इज इक्वल टू 1 से लेकर के एक्स इज इक्वल टू 2 तक, और ये वाई इज इक्वल टू 0 से लेकर के पैराबोला y इक्वल टू 1 बाई x तक, और यहाँ पे भी अंदर वाला f तो सेम ही रहेगा dx dy। अब इसको हमें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, पहले dy है तो y को पहले इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, x को क्या मानना होगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसको करेंगे x इक्वल टू 0 से लेकर के 1, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कॉन्स्टेंट माना है हमने, तो इधर 1 एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो क्या रहता है इसका, y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन कर दिया y के रिस्पेक्ट में, ये 0 से x जा रहा है, और ये dx तो था ही अपने साथ, और फिर इसके बाद प्लस x इक्वल टू 1 से 2 इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा एज इट इज y प्लस वाई क्यूब बाई 3, अब इधर क्या रहेगा अपना, लेकिन 0 से लेकर के 1 बाई x dx, ठीक है। आगे समझने, अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने, अभी ये x की
वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, एक्स ही पुट करेंगे, जीरो करेंगे तो सारा जीरो हो ही रहेगा। तो ये अपना आ गया जीरो से वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो से वन। ये अपना अंदर क्या बचेगा, अपना एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स प्लस एक से दो, एक से दो एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब इसमें फिर से इंडिकेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आपके पास एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा अपनी वैल्यू, एक्स क्यूब ये कितना बन रहा है अपना, एक्स क्यूब है थ्री प्लस वन फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री एक्स क्यूब जीरो से वन डी एक्स प्लस एक से दो, इसका भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, मैं इसको डायरेक्टली करूंगा वन बाई थ्री एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, एक्स फोर बाई फोर आएगा, फोर से फोर कट गया, तो ये बच गया अपना इधर एक्स फोर बाई थ्री जीरो से वन प्लस इधर एक्स स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा अपना वन बाई सिक्स एक्स स्क्वायर, ये अपना है वन से टू। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा अपना, यहाँ पे एक्स फोर बाई फोर है तो वन बाई थ्री प्लस यहाँ पे टू पहले पुट करेंगे, टू माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर माइनस, अब वन पुट करेंगे वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स, इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, एलसीएम लेंगे पहले एट प्लस फोर माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर और आंसर आ जाएगा ये अपना फोर्टी सेवन बाई ट्वेंटी फोर। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इधर मैं थोड़ी मिस्टेक कर चुका हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में किया मैंने, तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना अगर कुछ मिस्टेक हो तो, बाकी कॉन्सेप्ट है यही रहेगा अपना। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ उसके ऊपर मैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, आप दोनों ब्रैकेट मत समझना इसे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, डी एक्स डी वाई ओवर द रेक्टेंगल। चलो ये भी कराई देता हूँ मैं, इजी है ये, लेकिन ओवर द रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू जीरो कोमा वन कोमा जीरो कोमा टू, इसका मतलब क्या रहता है, एक्स एक्सिस जीरो से वन तक है, वाई क्या है जीरो से टू तक, तो इसका डायग्राम पहले, सबसे पहले जो मैंने बताया था वो डायग्राम कैसे बनेगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो से वन, ये अपना जीरो से टू, ठीक है, बन गया डायग्राम। अब इसमें पहले एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी होगी, क्या क्या वैल्यू रहेगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर जीरो इफ एक्स प्लस वाई किसके बीच में रह रहा है, वन के बीच में, ठीक है, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा इस साइड, वन अगर इफ वन लेस देन एक्स प्लस वाई, ये तो आपको पता ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रहता है, इफ टू एक्स प्लस वाई थ्री, ठीक है, ये रहता है। ठीक है, अब ये क्या रहेगा अपना, अपना एक्स प्लस वाई पहले जीरो और वन के बीच में है, ठीक है, तो ये मतलब क्या बन रही है, ये इनइक्वालिटी है, ये आपने शायद इलेवेंथ इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, चौथा चौथा या पांचवा वो था क्या बोलते हैं चैप्टर, जिसमें आप इसकी इनइक्वालिटी की डायग्राम बनाते हो, कैसे बनाओगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन है, तो एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन रखा हमने, तो उसका कैसे डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन पे। अब दूसरा क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, टू के लिए क्या बनेगा इस टाइप का, लेकिन इसका जो टू वन और टू के बीच में रहेगा, तो ये डायग्राम ये है अपना, ठीक है, और ये अपना किसके लिए है, जीरो से वन के लिए, और अगला क्या है टू से थ्री, ये अपना टू से थ्री, थ्री के लिए, लेकिन क्या रहेगा अपना कुछ इस तरह से, ये अपना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री का, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू का, ये अपनी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन के लिए। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है क्या, वन टू ये तो दोनों डायग्राम सीधे इसमें आ रहे हैं, लेकिन थर्ड थर्ड जो है ये एक्स प्लस वाई, इसके लिए सिर्फ अकेला यही रीजन रहेगा, तो इसको हम करेंगे टाइप टू से, पहला दूसरा तीसरा, तीन पार्ट बनेंगे इसके क्वेश्चन के, ठीक है, तो वो क्या बनेंगे, अगर इसको मैं आई मान लूँ, और आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, पहला जीरो इस वैल्यू इतने की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स इक्वल टू क्या जा रहा है अपना जीरो से लेकर के वन, वाई इक्वल टू कहाँ से जा रहा है, जीरो से लेकर के वन माइनस एक्स, ये वन माइनस एक्स रहेगा, जीरो डी वाई डी एक्स प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर के टू, वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स से लेकर के टू माइनस एक्स वन डॉट डी वाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा अपना, एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर के वन, वाई इज इक्वल टू टू माइनस एक्स से लेकर के टू टू डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, जीरो प्लस वन प्लस टू डॉट वन बाई टू इज इक्वल टू टू, ये सारी वैल्यू पुट करोगे टू आ जाएगी। ये आप सोच रहे हो इतनी जल्दी कैसे कर दिया, ये तो मैंने ऐसे लिखा है, आप चेक कर लेना,
यही आएगा अपना, ठीक है। अब इसमें एक तरीका रहता है, जो आंसर निकालने का जो तरीका रहता है वो क्या रहता है, नोट लिखिए आप एक पॉइंट, कोई इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको, कोई एक रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई है, तो इसका जो आंसर रहता है वो क्या रहता है, एन स्क्वायर बाई टू, और इसमें जो रीजन क्या है, आर सच दैट 0 से 1, 0 से n, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगुलर रीजन इस टाइप का हो तो आंसर क्या देगा, एन स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ मैं इसके ऊपर, ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, और एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर रेक्टेंगल, एक रीजन दे दिया आपको क्या, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है, 1 बाई 1 का, और इधर जो एफ एक्स वाई है क्या है वो, वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अगर इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई लेस देन 2x2, 0 अदरवाइज, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे दिया, पहले हमें रीजन बनाना पड़ेगा, रीजन में क्या रहेगा, 0 1, इससे बाहर का तो सारा वो ही हो गया, एन वैल्यूएबल होगी, और फिर दूसरे क्या है, पहला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाना है, वाई इक्वल टू 2x2, दो डायग्राम बनेंगे, पहला दूसरा, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये अपना वाई इक्वल टू 2x2 का, और ये जो यहाँ पे देखना है इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट है 1 1, और ये पॉइंट है 1 बाई रूट 2 कॉमा 1। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, इधर हमें पता है ये बाउंड अपर बाउंड क्या इसका, 1 है, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 रखा इधर, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 1 बाई रूट 2, ठीक है। आ गया समझ में कैसे हमने ये किया है, और तो फिर ये डायग्राम इससे ऊपर का तो 0 ही हो जाएगा, इसने बोला है इसके बीच वाला ये जो पोर्शन है इसमें इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई होगी, अदरवाइज 0, मतलब ये यहाँ का 0 यहाँ का 0, तो हमें निकालना है सिर्फ ये रीजन, ठीक है। इसको हम कितने पार्ट, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे यहाँ से, पहला और दूसरा ये, ठीक है। डायरेक्टली हम कहीं इसमें गड़बड़ कर जाते हैं क्या, सीधा इससे यहाँ तक टेढ़ा, लेकिन हमें हमेशा वर्टिकल रखना है, वर्टिकल यहाँ तक जाएगा ये, फिर तो दूसरा टाइप दूसरा ये पोर्शन ये बन रहा है, इसके दो पोर्शन बन रहे हैं, तो दो पोर्शन रहेंगे, अगर मैं इसको आई मान के चलूँ तो आई क्या बन गया अपने आप, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, लेकर के 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई रूट 2 तक जा रहा है, 0 से लेकर के 1 बाई रूट 2 तक, 1 बाई रूट 2, और एक्स कितना जा रहा है, वाई इज इक्वल टू x² से y इक्वल टू x² से लेकर के y इक्वल टू 2x² तक, x प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस x इक्वल टू 1 बाई रूट 2 से 1, y इक्वल टू x² से 1, x प्लस वाई डीवाई डी एक्स, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन, अब इसको आप इंटीग्रेट कर ही सकते हो, मेन तो इसमें यही था, यहाँ तक था ये क्वेश्चन मेन, बाकी इसके बाद जो यूज होता है अपना डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना ही था अगर देखा जाए तो, बाकी तो अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन ही करना है, जो आप कर सकते हो, मेरे को नहीं लगता कुछ हार्ड है इसमें, ठीक है। ये हो गया अपना, अगर डबल रीजन दे रखा हो तो इसमें क्या रहता है, मेन मेन चीज क्या है इसमें, मेन चीज ये है कि हमें ये करना आना चाहिए कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आगे समझ में, मेन चीज जो इसमें जो रहेगी, पहली तो मैंने बता दिया आपको कि इंटीग्रेट करना आना चाहिए, वो तो बेसिक है। सेकंड, ग्राफ बनाना आना चाहिए, जो कंडीशन देख के इससे ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है, ये इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है। और बाकी थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ऑर्डर चेंज करना आना चाहिए, कई बार क्या होती है जो बीच वाली जो इक्वेशन होती है ना, ये एक्स प्लस वाई है, एफ एक्स वाई की जगह एक्स प्लस वाई, कई चीजें ऐसी होती है जो टाइप वन से करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिसका इंटीग्रेशन करना, ये आपको यही ध्यान में रखना, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको महसूस होगा कि भाई इसको टाइप वन से किया तो इतना हार्ड हो रहा है, टाइप टू से करूंगा तो इतना आसान हो रहा है, ठीक है। तो मेन इसमें जो गेम है ना बच्चों, वो किसका है, प्रैक्टिस का, कैलकुलस पार्ट है ना, जितना भी है अब तक जितना भी मैंने कराया सब में क्या है, प्रैक्टिस ही है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका फायदा रहेगा बहुत ज्यादा, ये सब कुछ प्रैक्टिस का ही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा पोलर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये तो हो गया अपना लेक्चर नंबर 4, ठीक है, लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कराएंगे पोलर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, ये तो हो गया अपना क्लियर, देन थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।